हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में मैं एक्सरसाइज 9.1 को ले रहा हूँ और एक्सरसाइज 9.1 है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेता हूँ। एक्सप्रेस 8/-13 एज ए रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर ये आपकी ये 4 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं तो ये न्यूमिनेटर आपके होने चाहिए। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपका स्टार्टिंग में जो नंबर दे रखा है रैशनल नंबर, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसके साइन अपोजिट आने चाहिए। ठीक है, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो ये हमने देखा कि ये अपोजिट साइन है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, तो जो हम अभी लिखेंगे उसमें भी आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन है वो अपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं तो यहाँ पे 8/-13 ये तो फिक्स है, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिखना है तो हमें 16 को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी 16 नहीं, ऊपर न्यूमिनेटर आपका न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 16 आ गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे नहीं पता हमें क्या आएगा तो उसमें क्या है कि हमें ये तो डिसाइड करना है कि ये तो फिक्स है, इसका कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे नीचे है वो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे माइनस साइन, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइन अलग अलग होने चाहिए। तो 8 2 जा होते हैं ना 16, तो 13 2 जा करते हैं तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो इसको 8/-13 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जिसका नोमिनेटर है वो 16 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8/-13 है, इसको लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इसको हमें लिखना है। तो इसका जो नोमिनेटर है वो कितना इसमें दे रखा है, -24 दे रखा है, तो -24 हमने ऊपर कर दिया। तो -24 ये जो दिया हुआ इसको चेंज नहीं कर सकती, इसको तो ऐसे कैसे रखना है। अब क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव रैशनल नंबर जो है तो उसमें हमें क्या पहचान करनी होती है कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये तो साइन माइनस का आ गया तो यहाँ पे नीचे जो है वो प्लस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा टेबल 8 3 जै 24 है तो यहाँ पे 3 जै भी आएगा तो 13 3 जै 39 हो गए। तो ये टेबल छोटी छोटी टेबल है, इनको याद करके हम लोग इसमें कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर हैं तो इसका दूसरा तरीका भी मैं इन क्वेश्चंस में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 दे रखा है तो यहाँ पे क्या करना है 8/-13, इसको तो ऐसे लिख दिया हमने। अभी 40 ऊपर दे रखा है तो न्यूमेटर है ना, ये न्यूमेटर 40 दे रखा है तो इसमें हम लोग 40 ऊपर लिख देते हैं। और अभी यहाँ पे दोनों जगह साइन अपोजिट होने चाहिए तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। तो अभी टेबल पढ़ के देखते हैं तो 8 5 से 40 होते हैं ना, तो 13 5 से कितने हो गए 65 हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 8/-13 को इसके इक्वल लिख सकते हैं जिसमें कि आपका न्यूमिनेटर है 40, इसमें जो दिया होता वो आ गया है। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 8/-13 है और इसको क्या लिखना है क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर कितना आना चाहिए आपका, -64 है तो -64 तो आपको लिखना ही लिखना है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है तो यानी इनके जो साइन है वो अपोजिट साइन है तो यहाँ भी अपोजिट साइन आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए, तो प्लस को हम लिखते नहीं है। तो अभी टेबल को देख लेते हो, 8 8 जा, ठीक है 64 होते हैं तो 13 8 जा, तो 13 8 जा आपको देखना है कि ये आता है 104। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग इसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपना 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी तरह का है। इसमें डिनोमिनेटर के लिए लिखा है कि जो ये नंबर दे रखे हैं डिनोमिनेटर में आने चाहिए और इसको लिखना है आपको। तो ये हम क्या कर सकते हैं, -72 और ये 360, इसको लिखना है तो इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का मतलब ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ है जो अपोजिट साइन आ रहे हैं तो इसमें अपोजिट साइन आपको लेने, तो यहाँ पे विद डिनोमिनेटर दे रखा है -10, तो डिनोमिनेटर है वो -10 आएगा तो यहाँ पे -10 कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये ऊपर हमें नहीं पता है कि कितना आ रहा है, ऊपर कितना आएगा ये नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स मानते हैं तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा यहाँ पे 360 और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करते हैं तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 720 आ गया, इसको इससे किया तो। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 720 और ये यहाँ पे इसको 360 को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये 360 आ गया, तो ये 1 जा और ये 2 जा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको कर लेना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रह गया, तो इसमें मैं यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट और करवा देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 का करना है, तो यहाँ पे -72 और ये 360 आ रहा है, ठीक है। तो आपका डिनोमीटर के वो कितना होना चाहिए, आपका 60 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स लिख लेते हैं, और एक्स नहीं भी लिखते हो तो यहाँ से अब की बार उल्टा सिस्टम कर लेते हैं, यहाँ से इसको कितने से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टेबल पढ़ने में आप लोग छोटे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे मैं एक्स ही मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसने 360 और मल्टीप्लाई एक्स, और ये किसके बराबर आ रहा है, इसमें 360 और ये आ गया -72 और मल्टीप्लाई 60 आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू -72 और मल्टीप्लाई 60 और अपॉन कितना आएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से तो ये 10 कट गया, और 6 1 जा और 6 6, अभी इसको काट देते, 6 1 जा 6 1 जा और 6 2 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई, ठीक है, -12। तो यहाँ पर आपका जो एक्स है वो कितना आना चाहिए, -12। तो यहाँ पे आपका जो ये है, ये आपका इस तरह से -12/60 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेंगे, सारा कुछ इसी तरह से। एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसका फोर्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका और बता देता हूँ। एक्सप्रेस -420/-720 एज ए रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर जो है वो ये आने चाहिए, तो आपका क्या है, जैसे मैं यही वाला पार्ट करता हूँ तो ये -28 को आपको करना है, तो न्यूमिनेटर बनाना है, तो यहाँ पे 420 है और ये -720 है, तो न्यूमिनेटर आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर आपका 28 होना चाहिए माइनस का, तो माइनस का 28 तो फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे डिनोमीटर का नहीं पता, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, तो 420 और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू -28 और -720, ठीक है। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 28 और मल्टीप्लाई 720, ठीक है, और ये 420 मैं नीचे कर देता हूँ और ये एक्स इधर रहेगा यहाँ पे। तो इसको अभी देखते हैं, यहाँ पे कट करने की कोशिश करते हैं, तो कट करते हैं, तो यहाँ से 10 से 10 और 7 4 जा और 7 6 जा, 6 से काटा तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 1 जा और ये 12 आ गया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 4 को 12 से गया तो 48 आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 48 आ गई, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 48 आ गई तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 420 और ये -720, ठीक है, इज इक्वल टू आपका न्यूमेटर कितना दे रखा था, यहाँ पे न्यूमेटर दे रखा था -28, तो -28 और नीचे फिर कितना आएगा, यहाँ पे नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो देख लेना आप लोग इसको। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया है, तो होमवर्क में हमें क्या करना है कि सोल एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक, आपको 9.1 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।